हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सेम्स लर्नर में। तो दोस्तों, सीएचएसएल की जो वैकेंसी आई हुई है, आज हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सीएचएसएल की वैकेंसी आती है, टोटल 4500 वैकेंसी है। तो हम ऐसा कुछ करते हैं कि बहुत सारे ऐसे टिप्स हैं, अगर उस टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप वन टाइम में ही सीएचएसएल का प्री क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर प्री क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद आपको मेंस की स्ट्रेटजी में जाना है। तो चलिए देखते हैं क्या ऐसा पॉइंट्स है, क्या ऐसे फैक्ट्स हैं, अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो हमारा सीएचएसएल एग्जाम अच्छा हो सकता है। चलिए देखते हैं, हमारे पास 10 पॉइंट्स है और एग्जाम पैटर्न देखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन किस आधार पे करना है, सारे चीज का यहाँ पर डिटेल डिस्कशन करेंगे जो आपके लिए बेनिफिट होगा। तो चलिए, अब वीडियो को पूरा देखिएगा तो डेफिनेटली आपको इससे बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए देखते हैं वीडियो, देखिए है ना, कैसे करें सीएचएसएल एग्जाम की तैयारी, ठीक है, हाउ टू प्रिपेयर सीएचएसएल। सबसे पहले क्या होता है ना, कभी भी कोई एग्जाम अगर वैकेंसी आती है तो हर एक वैकेंसी की क्या होती है, सिलेबस होती है, सिलेबस, ठीक है। और कोई एग्जाम को अगर आप अपना एम लेके चलते हैं तो सबसे पहले आपको सिलेबस उठाना पड़ता है। सिलेबस, सिलेबस को आप रीड किए केयरफुल्ली, है ना। सिलेबस में जितने पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है, उसको पूरा आप केयरफुल्ली रीडिंग कीजिए और वहां पर जानिए कि सिलेबस में क्या ऐसा चीज बोला गया है जिसको आपको पढ़ना है डिटेल में। कभी भी कोई भी एग्जाम का अगर प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो सिलेबस का आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस में क्या पढ़ना है, है ना। ऐसे नहीं कि कोई पर्टिकुलर बुक आता है तो वो सारे चीज को उठा के पढ़ने लगे, नहीं, जो सिलेबस में मेंशन है हमारा उसी चीज को पढ़ना पड़ता है, ठीक है, उससे बाहर चीज पढ़ना ही नहीं, ठीक है। सिलेबस लीजिए, उसके बाद एक एक पॉइंट को, हर एक जो भी पार्ट्स है, हर एक पॉइंट का आप केयरफुली स्टडी कीजिए। मार्केट में बुक अवेलेबल होते हैं, ठीक है, उसका केयरफुली स्टडी कीजिए प्रॉपर। अगर आप एक एक चैप्टर पढ़ाई कर रहे हैं, एक चैप्टर अगर पढ़ लिए ना, ठीक है, तो उसको इस तरह से आप पढ़े ना, है ना, कि उसको क्वेश्चन आप बना सकते हैं उससे, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन आप क्रिएट कीजिए, एक चैप्टर पढ़े उससे कितना नंबर तक क्वेश्चन बन सकता है वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। और उसको जब क्वेश्चन के फॉर्म में बनाइएगा, है ना, सिर्फ अपने लैंग्वेज में, अपने लैंग्वेज में आप फॉर्म करते चलिएगा, ठीक है। और जो एक नोट्स होना चाहिए आपका, है ना, प्रॉपर नोट्स होना चाहिए, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आपका प्रॉपर नोट्स होना चाहिए, ठीक है। और उस नोट्स में आपका ऑन लैंग्वेज में होना चाहिए। हर एक, अगर हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, जीके पढ़ रहे हैं, हर एक चीज का आपका नोट्स होना चाहिए, क्योंकि नोट्स अगर होता है ना तो आपको रिविजन करने में आसानी होता है, ठीक है। तो आपको नोट्स बनाना पड़ेगा हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर वाइज नोट्स आपको चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, एग्जाम का प्रिपरेशन करते करते आपको क्या करना है, रिवीजन में भी कमांड करना है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, रिवीजन। अगर आप रिवीजन नहीं कीजिएगा तो आपका चांस ऑफ सिलेक्शन बहुत कम हो जाता है, है ना, इसीलिए आपको रिवीजन में भी कमांड करना होता है। देखिए, रिवीजन की एक स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। अगर आप वन डे का आपका रूटीन जो है, वन डे का जो भी रूटीन है आपका, अगर मॉर्निंग है ना, नून, इवनिंग है ना, अगर इस टाइम आप न्यू चीज पढ़ रहे हैं, है ना, नया चीज पढ़ रहे हैं, तो आप रात में 8 से 10 एक टाइम रखिए, है ना, कि जो भी एक दिन में हमने पढ़ा है उसका आप 2 घंटा में क्विक रिवीजन कर लीजिए, है ना। ऐसा होता है कि अगर एक दिन में पढ़ा हुआ है, शाम होते होते बहुत सारा ऐसा जो पॉइंट होता है ना, वो हमारे माइंड से आउट हो जाता है, ठीक है। अगर एक बार थॉरली हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर ले तो वो डेटा हमारे माइंड में फिर से कैप्चर हो जाता है, ठीक है। तो हर एक दिन ये आपका रूटीन होना चाहिए, है ना, रिवीजन का, ठीक है। और एक चीज और मैं बोलूं कि आप वीक में
5 डेज ही न्यू चीज पढ़े है ना। 5 दिन से आपको ज्यादा नया चीज नहीं पढ़ना है, ठीक है। और जो वीक में 2 दिन बच रहा है, 2 डेज हमारे पास बच रहा है, उस दिन थोरोली फिर से रिविजन करना है ना, पूरा 2 दिन रिविजन करना है, ठीक है। तो एक से क्या होता है ना, अगर देखिए सिलेबस हमारा जितना बड़ा नहीं होता है, सिलेबस बहुत छोटा होता है हर एक एग्जाम का, तो हमको सबसे बड़ा क्या लगता है, रिविजन करना। क्योंकि पढ़ने में तो कोई टफ नहीं है, आज पढ़ लेता है, बस उसको रिविजन अगर आप नहीं कीजिएगा ना, तो आपका दिमाग से वो आउट हो जाएगा। तो इस चलते रिविजन को आपको कमांड कर रहा है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, जो रिविजन में कमांड कर लिया उसका सिलेक्शन आसानी से हो जाता है, ठीक है। और इसके साथ प्रीवियस ईयर पेपर आपको करना है। प्रीवियस ईयर पेपर में जो भी चीज बताता है आपको, वो चीज आपको डेफिनेटली करना है। देखिए कभी भी एसएससी एग्जाम जब होता है ना, तो 3 साल के प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसके लिए, 3 साल के प्रीवियस ईयर। एंड आपको एक बार सिलेबस पढ़ना है, पूरा सिलेबस में जो जो चैप्टर है सबको पढ़ लेना है, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर ही सिर्फ पढ़ना है। क्योंकि अगर आप 3 साल का प्रीवियस ईयर अगर सही से करके जाते हैं ना, तो आपका सीएचएसएल का प्री एग्जाम क्लियर हो जाएगा, और वही स्ट्रेटजी के साथ मेंस भी आपको करना है ना। तो आप प्रीवियस ईयर में पूरा कमांड कीजिए, ठीक है। 3 साल का प्रीवियस ईयर उठा ले, देखिए क्या क्या करना है इसमें आपको। सीएचएसएल का प्रीवियस ईयर है ना, सीजीएल का प्रीवियस ईयर है, ठीक है। सिर्फ प्री वाला आपको देखना है, प्री का देखना है, ठीक है। अब मेंस में सीजीएल का मेंस आपको नहीं पड़ रहा है, फिर आपको एमटीएस का जो पेपर होता है उसका 3-3 साल का आप प्रीवियस ईयर करो सीएचएसएल के लिए, ठीक है। तो इससे बहुत सारी चीज आसान हो जाता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर से रिलेटेड आपको ये चीज भी करना पड़ेगा। देखिए जब सिलेबस कवर कर रहे थे ना, तो उस समय जब जो चैप्टर आप पढ़े हैं उस चैप्टर से आप प्रीवियस ईयर को मैच कराइए कि उस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं आपके प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो उस चीज को आपको देखना है और आपको समझना है कि चैप्टर में कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको आपको नोट डाउन करना है, उसी तरह से आपको प्रिपरेशन करना है। क्योंकि एक चैप्टर होता है, जैसे अगर हम मान लेते हैं मैथ का चैप्टर होता है परसेंटेज एक चैप्टर होता है, ठीक है। तो परसेंटेज तो हमको कंसेप्ट में पूरा पढ़ना है, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ना है वो हमको प्रीवियस ईयर ही बताता है, क्योंकि परसेंटेज तो बहुत बड़ा चैप्टर होता है, तो हम एग्जाम के लिए पूरा चैप्टर तो नहीं पढ़ेंगे, है ना। क्योंकि हमको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर में वही चीज सिर्फ पढ़ना है ना, उस टाइप के क्वेश्चन ही सिर्फ हमको पढ़ना पड़ता है। तो इसी चलते आप प्रीवियस ईयर को दिमाग में रखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस को फॉलो करते चलेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और एवरी डे आपको प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करना है ना। आप ऑफलाइन कीजिए, जब आदमी स्टार्ट करता है प्रिपरेशन तो शुरू में तो ऑफलाइन ही पढ़ता है, तो आप ऑफलाइन ही अभी प्रिपरेशन करेंगे ज्यादा बेस्ट होगा आपका, है ना। तो आप रेगुलर आपको करना है, एक प्रीवियस ईयर आप एक दिन प्रैक्टिस करो, 1 से 2 हर एक दिन, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस आप कर ही रहे हैं, उसके बाद आपको टेस्ट या मॉक हर एक दिन आपको, अभी आप रुक जाए 10 दिन के बाद जब आपका फॉर्म फिलअप खत्म हो जाती है, उसके बाद आप टेस्ट और मॉक देंगे, हर एक दिन देना जरूरी है, ठीक है ना। देखिए टेस्ट और मॉक एक ही चीज है, नाम अलग है। तो देखिए इससे क्या बेनिफिट होता है आपको टेस्ट और मॉक से, कि जब क्वेश्चन करते हैं ना, तो उससे क्या होता है ना, हम चैप्टर जब पढ़ रहे हैं एक ही टाइप के क्वेश्चन सिर्फ मिलते हैं, ठीक है। और जब टेस्ट और मॉक हम सोल्व करते हैं तो उस समय मिसलेनियस क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन अगर परसेंटेज का मिला तो दूसरा आपका मिल जाएगा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, इस तरह से ODI मिल जाएगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, तो आपका जो माइंड है ना, माइंड को सेटअप करता है कि अगर डिफरेंट टाइप के अगर क्वेश्चन आ रहे हैं, उस किस तरह से अपने माइंड को हम सेट करेंगे, प्रेजेंस ऑफ माइंड है ना, सेट करने के लिए बेस्ट चीज होता है टेस्ट। है ना, आप टेस्ट इतने दे लें कि आपको लगे ही नहीं एग्जाम सेंटर में कि हम घर में एग्जाम दे रहे हैं कि एग्जाम सेंटर में एग्जाम दे रहे हैं। और अगर आप टेस्ट मॉक लगा के अगर नहीं जाइए अगर एग्जाम सेंटर में, तो आपको बहुत टफ लगेगा आसान चीज,
इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट लिखना। और जब भी एग्जाम लिखते हैं मेरे पास 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होते हैं तो 100 में 100 बनाना नहीं होता, आपको मॉक और टेस्ट लिखने से एक आइडिया लग जाता है कि हमको कौन क्वेश्चन को बनाना है, कौन क्वेश्चन को स्किप करना है, तो वो चीज आपको टेस्ट से ही क्लियर होगा। ये फोकस आपको करना है एवरी डे एक टेस्ट, है ना। अभी आप मॉक लगाएंगे, आपको जब एग्जाम सामने आ जाएगा उस समय आपको प्रीवियस ईयर बनाना है, प्रीवियस ईयर आपको बनाना है, प्रीवियस ईयर का भी टेस्ट मॉक टेस्ट आता है वो भी आपको करना है, ठीक है। और टेस्ट एक और चीज पता चलता है हमको कि जब आप टेस्ट देते हैं उसके बाद जितना भी मार्क्स आपका आता है तो उसको पूरा एनालिसिस करना है ना। जो क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है तो आपको उसमें काम करना है कि क्यों आपका ये गलत हो रहा है ना, है ना। तो टेस्ट से क्या होता है, आपको स्ट्रॉन्ग जोन आपका पता चलता है, वीक जोन पता चलता है। जो आपका स्ट्रॉन्ग जोन होगा, है ना, जो आपका स्ट्रॉन्ग जोन होगा और जो आपका वीक जोन होगा, है ना, तो वो चीज को आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग जोन तो आपके लिए अच्छा है कि बार बार आपको क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग जोन वाले सही हो रहे हैं। जो आपका वीक जोन है इससे आपको पता चल जा रहा है कि इस पार्ट मेरा वीक है, इस चैप्टर से मेरा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो उस वीक जोन को आप नोट डाउन कीजिएगा और उस पे वर्क कीजिएगा, क्यों तो आपका बार बार ये इस चैप्टर से क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है, तो उस पे फोकस करना है और वर्क करना है। और उसके बाद जब आप कंटिन्यू और टेस्ट देते जाइएगा तो ये वीक जोन जो आपका है वो आपका खत्म होता जाएगा, है ना, और आपका पेस अच्छा होने लगेगा। अगर आप स्टार्ट में अगर 100 क्वेश्चन में अगर 30 क्वेश्चन बनाते हैं तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन बढ़ता जाएगा, 35 हो जाएगा, कभी 40 होगा, 50, 55, 60, आपका 80-90 तक आप क्वेश्चन करने लगिएगा अगर रेगुलर आप मॉक देंगे तो। ये बेनिफिट है मॉक का, ठीक है। तो एनालिसिस बहुत जरूरी है, अगर एनालिसिस नहीं करते हैं तो आपको सिलेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके बाद एक नंबर जो हमारा है, स्टडी करना है पेज ब्लॉक पैटर्न, जो करेंट में जो पैटर्न आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपरेशन करना है, ठीक है। अभी जो पैटर्न पूछे जाते हैं, जस्ट लाइक अगर हम बात करें अभी जो एग्जाम हुआ है सीजीएल का एग्जाम हुआ है, ठीक है, सीजीएल का एग्जाम हम लोगों ने देखा कि जो लास्ट ईयर का सीजीएल का एग्जाम हुआ था उससे बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है, तो उसी अकॉर्डिंग आपको भी प्रिपरेशन यहां पर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हमको काम करना है ना। और एक चीज आपको यहां पर ध्यान देना है कि क्वेश्चन इजी पूछे, क्योंकि फर्स्ट टाइम सीएचएसएल का आपका मेंस का भी एग्जाम होगा, है ना, पहले डिस्क्रिप्टिव होता था, है ना, अब जो सीजीएल का जो एग्जाम होता है उसी टाइम आपका, उसी के अकॉर्डिंग आपका सीएचएसएल भी ले रहा है, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, आपको प्री का जो होगा बहुत इजी पूछेगा, क्योंकि सीजीएल भी अभी इजी पूछा है तो वही पैटर्न पे आपका चलेगा, इजी एग्जाम होगा सीएचएसएल का, ठीक है। और ये मैं बता दिया का फोकस करेंट एग्जाम पैटर्न, करेंट एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग अभी सीपीओ का करेंट का हुआ है, आपका सीजीएल का करेंट का हुआ, अभी आंसर भी आ जाएगा सीजीएल का, तो उसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करते चलेंगे, क्योंकि अभी सीजीएल का जो क्वेश्चन देखा गया है लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन था उससे बहुत इजी पूछा, जो मैथ पूछे जाते हैं, है ना, सीजीएल में वो मैथ नहीं पूछे गए हैं, एकदम बेसिक मैथ आपका पूछा गया है, आपका जीके में भी बहुत बेसिक चीज पूछे गए थे, जो पूछे जाते थे पहले वो एग्जाम नहीं पूछा, वो सब मेंस में पूछेगा, तो सीएचएसएल में भी वही पैटर्न को फॉलो करेगा, और जो पहले पूछा जाता था सीएचएसएल में वो नहीं पूछेगा, थोड़ा सा उससे नीचे लेवल का पूछेगा, और जो पहले पूछे जाते थे वो आपको मेंस में पूछेगा, ठीक है, उसको आप फॉलो कीजिएगा और आपका इसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, प्री का रिजल्ट आप क्वालिफाई कर जाओगे इस पैटर्न को अगर आप फॉलो करते हैं तो, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं एग्जाम पैटर्न, देखिए मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश जीके का प्रिपरेशन किस आधार पे करना है, 25 क्वेश्चन है 50 मार्क्स का, 25 क्वेश्चन है इसमें 50 मार्क्स, तो इसमें करना क्या है, मैथ्स है ना, मैथ्स में आप क्या कीजिएगा, सिर्फ एक बुक को आप फॉलो करें, है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग एक बुक को फॉलो करेंगे,
एक बुक को फॉलो करें, सिलेबस आप कंप्लीट कर लीजिए, प्रीवियस ईयर कंटिन्यू, आप सिर्फ प्रीवियस ईयर कंटिन्यू करते जाए मैथ में भी, है ना, आपका मैथ में 20-22 क्वेश्चन आपका बन जाएगा। 3 साल का आप पैटर्न के अकॉर्डिंग मैथ बनाइएगा तो आपका मैथ क्लियर है, कोई नहीं रोक सकता है आपका मैथ में अच्छा करने से, ठीक है। ऑन है रीजनिंग, रीजनिंग तो प्रीवियस ईयर इनफ, इसके लिए तो कोई बुक भी नहीं पढ़ना पड़ता है। रीजनिंग, रीजनिंग का प्रीवियस ईयर आप करें, थोड़ा सा सिलेबस अगर थोड़ा अगर लाइटली आप सिलेबस पढ़े हुए हैं और प्रीवियस ईयर बनाइएगा तो आपका रीजनिंग हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही रीजनिंग हमेशा पूछे जाते हैं डिजिट चेंज करके, है ना। तो एसएससी के एग्जाम प्रीवियस ईयर बेस ही होता है, तो आप रीजनिंग को प्रीवियस ईयर का ही आप सोल्व कर ले, 3-4 साल का, तो आपको वो क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और इंग्लिश का क्या है, इंग्लिश का देखिए करना है ना कि इंग्लिश भी प्रीवियस ईयर पे, आप सिर्फ प्रीवियस ईयर इंग्लिश का बनाइए, आप थोड़ा सा ग्रामर पढ़ लीजिए और प्रीवियस ईयर और इसका एनालाइज, जो प्रीवियस ईयर बना रहे हैं ना उसका एनालाइज करते जाइए, उसमें क्या गलत हो रहा है, किस का पॉइंट व्यू एक्सप्लेन किया हुआ रहता है, उसको भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका डेफिनेटली इसमें अच्छा मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। और एक चीज जीके है, जीके में देखिए लूसेंट आप पढ़िए, लूसेंट इनफ है सीएचएसएल के लिए, इससे बाहर का क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें मेंस भी कर दिया है ना, तो पहले के लेवल से एकदम डाउन हो गया एग्जाम, क्योंकि अभी सीजीएल का भी देखा गया जीके का लेवल बहुत कम कर दिया है पहले के कंपैरिजन में, क्योंकि मेंस में वो सब सारे सवाल को डालने वाला है, क्योंकि सीजीएल का मेंस में पहले जीके नहीं था लेकिन अब जीके कर दिया है, तो सीएचएसएल में भी उस वही पैटर्न पे चल रहा है, क्योंकि पहले प्री में जीके होता था सीएचएसएल में और अब मेंस में भी कर दिया है, तो आपको डेफिनेटली इजी क्वेश्चन जीके में देखने को मिल जाएगा। और एक चीज, करेंट अफेयर का जो क्वेश्चन है ना वो बहुत कम पूछा जा रहा है, एकदम ना के बराबर, 1-2 क्वेश्चन तक जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं, है ना। तो आप उसको फोकस करते चले, एकदम करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन इजी इजी पूछ रहा है, तो आप ऊपर ऊपर करंट अफेयर अगर 4-5 का अगर आप पढ़ के जाते हैं, मुश्किल से 300-400 करंट अफेयर, तो आपको कोई क्वेश्चन से छूटने वाला नहीं, तो आप इसमें थोड़ा सा फोकस करेंगे, आपका प्री एग्जाम अच्छा हो जाएगा, और प्री एग्जाम हो जाने के बाद आपका मेंस भी अच्छा होगा, है ना। यही स्ट्रेटजी को उसमें भी अपनाएंगे तो आपको डेफिनेटली अच्छा आप कर लीजिएगा। तो आई होप कि ये सारा चीज आपको क्लियर हो गया होगा, तो चलिए, थैंक यू।